होली की रंगत अब बाजारों में देखी जा सकती है। होली पर्व पर नन्हे मुन्ने बच्चे जिनकी पहली होली होती है उनको ढूंढने की परंपरा है। इसी के चलते बाजारों में ढूंढ के सामान की दुकानें सजकर तैयार हो चुकी हैं। बच्चों के लिए आकर्षक रंग बिरंगे साफे, शेरवानी और कपड़ों की दुकानों पर अभी से ही ग्राहक की नजर आ रही है। परिजन बच्चों के लिए आकर्षक कपड़े और पूजा सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं। मारवाड़ क्षेत्र में होली का पर्व का विशेष महत्व रहता है। इसके साथ ही सीमावर्ती बाड़मेर जिले में फागड़ माह शुरू होते ही ग्रामीण अंचल में होली की रंगत छा जाती है। शाम ढलते ही लोग चंग की थाप के साथ फाल्गुनी गीत गाते हैं। युवा थिरकते हैं तो महिलाएं लूर लेती नजर आती है। हर दिन इसी उत्साह के साथ बीत जाता है और होली व धुलंडी के दिन इन ग्रामीण अंचल में ढूंढोत्सव की रस्म निभाई जाती है। कहते हैं ढूंढोत्सव खासकर बेटों के लिए मनाया जाता है, लेकिन समय गुजरने के साथ सामाजिक रीति रिवाजों में काफ़ी बदलाव हुआ है। अब चंग की थाप के साथ फागण गीत के साथ उत्सव तो समान है, लेकिन बेटों की जगह अब बेटियों की भी ढूंढ की परंपरा देखने को मिल रही है। इस बीच होली की रंगत अब बाजारों में देखी जा सकती है। होली पर्व पर नन्हे मुन्ने बच्चे जिनकी पहली होली होती है उनको ढूंढने की परंपरा है। इसी के चलते बाजारों में ढूंढ के सामान की दुकानें सच कर तैयार हो चुकी है। बच्चों के लिए आकर्षक रंग बिरंगे साफे, शेरवानी व कपड़ों की दुकानों पर अभी से ग्राहकी नजर आ रही है। परिजन बच्चों के लिए आकर्षक कपड़ों व पूजा सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं। होली दहन के दूसरे दिन धुलंडी पर्व पर ढूंढोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस पर्व पर कई जगहों पर जिनके पुत्र की पहली होली होती है उनके दूल्हे की तरह सजा धजा कर होली की परिक्रमा करवा होलिका की पूजा की जाती है और प्रसाद का वितरण किया जाता है। ढूंढोत्सव को लेकर बाजार में भी रंगत देखी जा सकती है। शनिवार को बाजार में सजी दुकानों पर ढूंढ महोत्सव को लेकर सुबह से ही खरीदारी परवान पर रही, जो देर शाम तक चलती रही।